मुंबई में कांदिवली बीएमसी यानी सरकारी कार्यालय बना अय्याशी का अड्डा। मुंबई का कांदिवली आरक्षण विभाग कार्यालय एक रात के लिए अय्याशी का अड्डा बन गया। यहां नवनियुक्त सहायक आयुक्त ललित तलेकर की खुशी में मनपा कर्मियों द्वारा शराब की पार्टी रखी गई और खूब जमकर जाम भी छलकाए गए। इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया। पूछे जाने पर साहब का नाम आया, लेकिन अय्याशी की इजाजत देने वाले वो साहब कौन है इसका पता चल पाना मुश्किल हो गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका का कांदिवली विभाग अब सुर्खियों में है। यहां एक तरफ नवनियुक्त सहायक आयुक्त ललित तलेकर को मिलने वालों का ताका लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाम की महफिल बीएमसी कार्यालय के भीतर ही सजा दी गई है। वीडियो रिकॉर्ड के मुताबिक महफिल में शामिल सभी लोग मनपा प्रशासन में कार्यरत है। मेरा नाम राजेश किशन मंजाल। झोपड़ी महासंघ ये मेरा एक संस्था है, उस संस्था के मार्फत में समाज सेवा करता हूँ। परसों रार साउथ वार्ड, इसकी एक छोटी सी बेटे मल निसारण रिपेयरिंग चौकी जो साईनगर तुलस्कर वाड़ी में पड़ती सुरभि कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मैंने बुधवार रात को ऐसा कुछ दृश्य देखा कि वहाँ पे जो बीएमसी के अधिकारी शेट्टी शिंदे जो है वो बाहर गेट के ऊपर ऐसे बैठे हुए थे। और मैंने उनको पूछा कि अंदर मैंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा जिनके हाथ में दारू की बाटलियाँ कुछ ग्लासेस वगैरह ऐसे थे, ऐसा कुछ हो गया? तो मैं अंदर दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर गया तो देखा कि सभी लोग टेबल के ऊपर दारू रखकर बाटली ग्लास सब अय्याशी कर रहे थे। तो मैंने सिटी से पूछा ये क्या चल रहा है, तो बोला सब ऊपर से मैंने साहब लोगों की परमिशन ली हुई है। तो सिटी को मैंने पूछा, सिटी के ऊपर तो साहब दो ही है जो राहुल निकम और सानप साहब, तो मैंने पूछा उन्होंने परमिशन दिए क्या, तो हाँ करते नाना करते कुछ उसने टाल दिया। और देखा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे दारू की अय्याशी करते जैसे उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार की मालमत्ता जो जनता के सेवक के लिए सलाह के लिए बनाई है, सेवक के लिए बनाई है, तो उन लोग दारू का हड्डा बनाए हुए दिख रहे थे। और ऊपर से कि जो भी दीवार पे पोस्टर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले और अपने गणपति बाप्पा जी, ये सभी देव देवता का और थोर पुरुषों का फोटो लगाए वहाँ पे दीवार पे फोटो थी, जिन्हें हम लोग रोज़ पूछते और इनके नीचे बैठकर इन लोग दारू का हड्डा बनाकर सब दारू पी रहे थे मजे मस्ती से। अब मेरा काम है कि इस सच्चाई को पत्रकार परिषद तक खुलासा करना, तो मैंने वो कर दिया। आगे पत्रकार परिषद का काम है कि ऐसे शेट्टी शिंदे जैसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसे पद से निकाला जाए, उसे पद से हटाया जाए, ये मेरी मांग है। बुधवार 16 नवंबर 2022 की रात कांदिवली पश्चिम के तुलस्करवाड़ी स्थित बृहन मुंबई महानगर पालिका रोड रास्ता रिपेयरिंग एवं मल निसारण चौकी में शराब की पार्टी करने वाले चौकी इंचार्ज शेट्टी शिंदे से जब पूछा गया तो उसने बताया कि साहब की परमिशन से पार्टी अरेंज किया गया है। दूसरे दिन बृहन मुंबई महानगर पालिका कांदिवली और दक्षिण विभाग के सहायक आयुक्त ललित तलेकर से पूछने गए तो वहां उनसे मिलने वालों का ताका लगा हुआ था। मोबाइल फोन के जरिए कॉल कर पूछे जाने पर उन्होंने कार्यकारी अभियंता सुनील बेंद्रे के पास भेज दिया। बेंद्रे ने बात किए बगैर ही मेंटेनेंस के असिस्टेंट इंजीनियर समीर सोमनाथ सानप के पास भेज दिया। वहां पर भी शराब की पार्टी को लेकर इजाजत देने वाले उन साहब का पता नहीं चल पाया। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि हमें नहीं पता पार्टी की इजाजत मिली या नहीं, लेकिन शराब परोसा जरूर गया। इस शराब पार्टी का वीडियो बनाने वाले झोपड़ी महासंघ के अध्यक्ष राजेश मंजाल ने त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मनपा कार्यालय के भीतर शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और गणेश भगवान की तस्वीरें लगाई गई है। यहाँ उनकी प्रतिमा के नीचे शराब की पार्टी की जा रही है। यहाँ उनका अपमान किया गया जो बर्दाश्त के बाहर है। देखिए मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।